गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम इन द क्लास 8। आज हम लोग भूगोल देख रहे हैं। हमारा आज का विषय है भूगोल, और भूगोल में जैसे आप सब जानते हैं हमारा पार्ट 3 चल रहा है, और वो पार्ट 3 है बेटा हमारा आर्द्रता एवं मेघ। आर्द्रता एवं मेघ में हमने पिछले वीडियो में इस आकृति से कुछ जानकारियाँ प्राप्त की, जिसमें मैंने आपको भौगोलिक स्पष्टीकरण के बारे में जानकारी बताई हुई है ना। आज जो भाग हम लोग देखने जा रहे हैं वो है बेटा बाष्पीकरण, और बाष्पीकरण यानि क्या, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो बाष्पीकरण यानि कि यदि आपको सवाल पूछा गया कि बाष्पीकरण यानि क्या, तो बाष्पीकरण यानि वह जल का भाग जो रूपांतरण होने की प्रक्रिया से निर्मित होता है। मतलब इसी को हम लोग बाष्पीकरण की यदि हम लोगों ने परिभाषा पूछी, तो बाष्पीकरण जल का भाप में रूपांतरण होने की प्रक्रिया को हम लोग बाष्पीकरण कहते हैं। और सूर्य की, अब देखिए बेटा, बाष्पीकरण के दो प्रकार हैं, नैसर्गिक बाष्पीकरण और एक मानव निर्मित बाष्पीकरण। तो नैसर्गिक बाष्पीकरण में हम लोग जो देखते हैं उसमें हम लोग कह सकते हैं कि सूर्य की ऊष्मा के कारण पृथ्वी के पानी का बाष्प में परिवर्तन होता है, उसे हम लोग नैसर्गिक बाष्पीकरण कहते हैं। मतलब जब सूर्य से जब ऊष्मा, सूर्य किरण बहुत तेज होती है और उसमें उससे जो ऊष्मा निर्मित होती है उसके कारण पृथ्वी का जो पानी होता है, मतलब तालाब, नदी, नाले, समंदर में जो पानी होता है उसका अपने यहाँ बाष्प में परिवर्तन होना शुरू होता है। तो इसी क्रिया को हम लोग तो बाष्पीकरण कहते हैं, और यही नैसर्गिक बाष्पीकरण होती है जिसमें जल का भाप में रूपांतरण होता है, और इस प्रक्रिया को हम लोग बाष्पीकरण कहेंगे। तो बाष्पीकरण की जो मानव निर्मित प्रक्रिया है उसमें जो हम लोग अभी जैसे ठंडियों के दिनों में या गर्मियों के दिनों में पतीला गैस पर रख के उसको गर्म करते हैं, और उसकी भाप जो इकट्ठा होती है बेटा, है ना, तो वो इकट्ठा हुई भाप को जब हम लोग देखते हैं तो या वो निकलती हुई भाप ना इकट्ठा किए भी हम लोग देख सकते हैं, उसको भी हम लोग बाष्पीकरण कहते हैं बेटा, है ना, जो हमें आसान रूप से नज़र आती है। अब हम लोग चलेंगे हमारे अगले पेज पर, पेज नंबर 17, जिसमें आपको बोला गया था कि बाष्पीकरण की प्रक्रिया जो है वो वातावरण की शुष्कता, तापमान एवं वायु के संवेग पर निर्भर है। मतलब बाष्पीकरण ये जो प्रक्रिया है वो तीन चीज़ों पर निर्भर होती है, एक तो वातावरण की शुष्कता, फिर वातावरण का तापमान, और उसमें मौजूद वायु के संवेग पर निर्भर होती है। तो यदि वायु, हमारा जो वायु है, हमारे आसपास जो हवा है वो शुष्क यानी कि गर्म होगी तो वाष्पीकरण की गति बढ़ती है। अब ये बढ़ती कैसी है, क्योंकि हमारे आसपास जो हवा होती है वो गर्म होती है, और उसको वाष्पीकरण में परिवर्तित होने के लिए ज़्यादा समय लगेगा, है ना, क्योंकि वाष्पीकरण आसानी से तो होगा नहीं क्योंकि गर्म हवा है, इसलिए उसकी वाष्पीकरण की गति अपने आप बढ़ती जाती है बेटा। वैसे ही शुष्क एवं ठंडी वायु हो तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया शुरू रहती है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया शुरू रहती है लेकिन वाष्पीकरण की गति धीमी हो जाती है ठंडी वायु में। तो इसके विपरीत यदि वायु नम हो तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है, और यही यदि वायु जो है, हमारी हवा जो है वो बहुत नम है, बहुत ज़्यादा ठंडी है, तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया क्या हो जाती है बेटा, धीमी पड़ जाती है। तो यहाँ पे तीन चीज़ें आपको बताई गई कि गर्म हवा में वाष्पीकरण की गति बढ़ती है, ठंडी हवा या शुष्क हवा हो तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया शुरू ही रहती है, और जब इसके विपरीत वायु बहुत ज़्यादा नम हो जाए तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है। तो यदि वातावरण में वायु के बहने की गति एवं तापमान अधिक हो तो ऐसी परिस्थिति में वाष्पीकरण की प्रक्रिया शीघ्र होती रहती है। देखिए मैं दोबारा आपको बताना चाहता हूँ कि वातावरण में वायु की बहने की गति और तापमान बहुत ज़्यादा हो गया हो, ऐसी परिस्थिति में वाष्पीकरण की प्रक्रिया बहुत शीघ्र होती है। वो वायु यदि धीमी गति से बहती है और ठंडी होती है
तो वाष्पीकरण धीमी गति से होता है। मतलब ये समझ में आया ना आप लोग को कि धीमी गति से अगर हवा बहती है और ठंडी है तो अपने आप वाष्पीकरण की गति जो है वो धीमी हो जाती है ना। अब यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाओ, बहुत आसान दो प्रश्न आपको पूछे गए बेटा यहाँ पे। कौन सी ऋतु में कपड़े शीघ्र सूखेंगे, पहला प्रश्न। तो इसका उत्तर आपको पता है, कौन सी ऋतु में कपड़े शीघ्र सूखेंगे, सोचिए। बराबर है आपका उत्तर, जरूर की गर्मियों के ऋतु में कपड़े शीघ्र सूखेंगे। दूसरा प्रश्न है, कौन सी ऋतु में कपड़े सूखने में समय लगेगा और इसके पीछे क्या कारण होगा, कौन सी ऋतु में सूखने में समय लगेगा। बराबर है, बारिश के दिनों में कपड़े सूखने में बहुत समय लगेगा और इसके पीछे कारण क्या है बेटा। तो इसके पीछे कारण यह है कि वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया है वो बहुत धीमी हो जाती है बारिश के दिनों में। वही कौन से ऋतु में कपड़े शीघ्र सूखेंगे, तो गर्मियों के दिनों में कपड़े बहुत जल्दी सूखेंगे। तो इसमें जो होती है वाष्पीकरण की प्रक्रिया बहुत जल्दी होती है, गति बहुत बढ़ती है उसकी। देखिए यहाँ पे जो आपको यहाँ पे बताया गया था ना कि वायु गर्म होती है, शुष्क होती है, तो वाष्पीकरण की गति बढ़ती है। मान लीजिए कि आपने अपने घर के बाहर कपड़े सूखने के लिए, बहुत गीले गीले कपड़े थे वो सूखने के लिए डाल दिए, अगर आपके आसपास की हवा गर्म हो तो वो जल्दी उसको भाप बनाकर उसको सुखाने में मदद करती है, इसीलिए वाष्पीकरण की गति वहाँ पर बढ़ती है। और वही यदि पानी का मौसम हो, बारिश का मौसम हो, तो वही गर्म जो गीले कपड़े होते हैं, हवा ठंडी और शुष्क होने की वजह से वाष्पीकरण की प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है। नम होने की वजह से वाष्पीकरण धीमा होता है, इस वजह से वो कपड़े सूखते नहीं हैं। समझ में आया ना आप लोग को। तो यही कारण है दोनों ऋतुओं में कपड़ों के आधार पर, कभी कपड़े जल्दी सूख जाते हैं तो कभी कपड़े सूखने में समय लगता है। अब हम लोग देखेंगे बेटा, हमारा अगला भाग है वो है वायु की आर्द्रता। वायु की आर्द्रता यानी क्या, तो यहाँ पे उसकी परिभाषा आपको बताई गई है कि वायु में वाष्प की मात्रा वायु की आर्द्रता कहलाती है। मतलब हमारे आसपास जो हवा है उसमें वायु की उपस्थिति, वाष्प की उपस्थिति, उसी को हम लोग आर्द्रता कहते हैं। समझ में आप लोग को, हवा में वाष्प की उपस्थिति को आर्द्रता कहते हैं। तो वातावरण की शुष्कता अथवा नमी आर्द्रता अर्थात वाष्प के अनुपात पर निर्भर करती है। ये वाक्य का मतलब समझा के आप लोग को मैं बताता हूँ कि वायु वातावरण में जो शुष्कता होती है या फिर नमी होती है, मान लो कि गर्मी है और ठंडी दोनों है हमारे आसपास हवा में, तो उसके ऊपर आर्द्रता अर्थात वाष्प के अनुपात पर निर्भर करती है। तो हमें जो अभी आर्द्रता हम लोग ज्ञात कर रहे हैं वो किसके ऊपर निर्भर होती है, उस वातावरण में मौजूद शुष्कता और नमी के अनुपात पर, वाष्प के अनुपात पर निर्भर करती है। अब ये वाष्प का अनुपात क्या है जिससे हम लोग आर्द्रता ज्ञात करेंगे, है ना। यहाँ पे आपको बोला गया ना कि वाष्प का अनुपात जितना होगा उतनी उसकी आर्द्रता होगी। तो वायु विशिष्ट तापमान पर विशिष्ट अनुपात में ही वाष्प धारण कर सकती है। समझ में आया आप लोग को कि वायु जो होता है वो विशिष्ट तापमान पर और विशिष्ट अनुपात में ही वाष्प धारण कर सकता है। यानी कि यदि गर्म तापमान हो तो उसका अनुपात भी ज़्यादा होगा, और अगर ठंडा तापमान हो तो उसका अनुपात भी वाष्प धारण करने का अनुपात कम होगा। तो वायु जैसे जैसे ठंडी होती जाती है उसकी वायु धारण क्षमता कम होती जाती है। समझ में आया ना आप लोग को, जैसे जैसे वायु जो है वो ठंडा होगा उसकी वायु धारण क्षमता जो होगी ना बेटा वो कम होती जाएगी, और उस इसी के विपरीत, इसकी का उल्टा कैसे होगा, जैसे जैसे वायु गर्म होती जाएगी तो उसकी वाष्प धारण क्षमता बढ़ेगी। तो इसका अर्थ यही है कि गर्म वायु ठंडी वायु की तुलना में अधिक वाष्प धारण कर सकती है। यानी कि गर्म वायु यदि हो तो वह ज़्यादा से ज़्यादा वाष्प धारण कर सकती है, यही इसका मतलब है। तो किसी विशिष्ट तापमान पर वायु इतनी ठंडी हो जाती है कि उसकी वाष्प धारण क्षमता एवं उसमें उपस्थित वाष्प का अनुपात समान हो जाता है। ये बात देखिए, ये बात के आधार पर आपका ये पूरा का पूरा प्रयोग आधारित है। इसका मतलब क्या है, ये क्या बोल रहा है कि किसी एक तापमान पर वायु इतनी ठंडी हो जाएगी
कि उसकी वाष्प धारण क्षमता निम्न के बराबर हो जाएगी, एवं मतलब बिल्कुल शून्य के बराबर हो जाएंगी, वाष्प धारण क्षमता एकदम कम हो जाएगी, एवं उसमें उपस्थित वाष्प के अनुपात समान हो जाता है, और उसमें जो वाष्प उपस्थित होगा उसका भी अनुपात समान हो जाएगा। वाष्प धारण क्षमता और वाष्प उपस्थित वाष्प दोनों समान हो जाएगा और दोनों का अनुपात समान हो जाएगा। तो वायु की ऐसी स्थिति को वाष्प संतृप्त कहते हैं। वाष्प संतृप्त किसे कहते हैं? जब वाष्प धारण क्षमता और उपस्थित वायु दोनों का अनुपात समान हो तब उस क्रिया को वाष्प संतृप्त कहते हैं, मतलब उस समय पे वाष्प संतृप्त हो जाएगा। इसके बाद यदि थोड़ी भी मात्रा में वाष्प बढ़ जाता है तो वो आर्द्रता में परिवर्तित हो जाता है। वाष्प संतृप्त समझ में आया ना, उसकी लिमिट, उसकी क्षमता। तो यह क्रिया जो है वो आपको यहाँ पे एक गतिविधि द्वारा बताई गई है। क्या करना है ये मैं बता देता हूँ आप लोग को। एक टेबल लेना है बेटा, टेबल के ऊपर हम लोग को एक पानी जमा करने के लिए एक ट्रे लेना है, और एक छलनी लेनी है जहाँ पे छेद बनाए गए हैं, ऐसी ऊपर में एक छलनी लेनी है, और उसके ऊपर एक हम लोग को यहाँ पे एक स्पंज लेना है। समझ में आना, बहुत आसान सी क्रिया है। स्पंज है, उसके नीचे आपको छलनी लेनी है जहाँ पे दूर दूर पर बूंदे बनी हुई, ऐसी एक छलनी लेनी है, नीचे में एक ट्रे लेना है और उसके नीचे एक टेबल लेना है। तो देखिए बेटा, बीच में गहरा ट्रे छलनी लो जो बीच में गहरी हो, मतलब यहाँ पे गहरी होनी चाहिए बीच में, ऐसी छलनी लेनी हम लोग को। फिर एक स्पंज का टुकड़ा लेना है उसके ऊपर, फिर ट्रे के समतल भाग में कील की सहायता से कुछ छिद्र बनाओ, मतलब छिद्र बना हुआ छलनी लेनी है हम लोग को, ये समझ लीजिए। फिर ट्रे छलनी के बीच में स्पंज का टुकड़ा रखो, या ट्रे या छलनी जो हमने ली हुई है ना यहाँ पे, उसके मध्य में हम लोग को एक स्पंज का टुकड़ा रखना है। अब हम लोग को यहाँ पे बताया गया है कि सुनिश्चित कर लो कि स्पंज में बिल्कुल पानी नहीं है, तो यह स्पंज में बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। फिर दूसरा है, स्पंज पर बड़े चम्मच से पानी डालो। अब हम लोग को क्या करना है बेटा, अब ये दूसरी क्रिया यहाँ पे चालू करनी है कि बड़े चम्मच से हम लोग को स्पंज में पानी डालते रहना है। फिर समूह के अन्य विद्यार्थी पानी के चम्मचों की संख्या नोट करो, मतलब हम लोग यहाँ पे कितना पानी डाल रहे हैं, कितने चम्मच पानी डाल रहे हैं उसकी संख्या नोट करेंगे। फिर देखिए बेटा, यहाँ पे आपको क्रिया बताई गई है कि स्पंज पूरा गीला होने तक चम्मच से पानी डालते रहो, मतलब पूरा गीला होना हो रहा है हमारा स्पंज, तब तक हम लोग चम्मच से पानी डालते ही रहेंगे। इसके बाद भी पानी डालते रहने पर क्या होता है देखो। अब नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दो। पहला प्रश्न है बेटा, प्रारंभ में स्पंज पर पानी डालने से क्या हुआ? तो पहले प्रश्न का उत्तर क्या आएगा आप लोगों ने यदि ये कृति अच्छे से समझ ली है, तो प्रारंभ में स्पंज में पानी डालने से क्या होगा, स्पंज गीला होना शुरू होगा, है ना, और पानी बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगा। दूसरा प्रश्न है, स्पंज पर पानी डालते समय तुमने क्या सोचा था? स्पंज में पानी डालते समय हमने ये सोचा था कि स्पंज में पानी डालते ही वो तुरंत ये छलनी से बाहर निकल कर यहाँ पे जमा होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। सबसे पहले तो स्पंज ही पूरा का पूरा पानी सोखना शुरू कर रहा है, पानी लेना शुरू कर रहा है, पानी से गीला होना शुरू कर रहा है। अब गीले स्पंज पर और अधिक पानी डालने पर क्या हुआ? देखिए बेटा, यहाँ पे पूरा स्पंज हमारा ठंडा हो चुका था, पूरा पानी इसने शोष लिया था, अपने अवशोषित कर लिया था अपने अंदर। अब ये पूरा स्पंज पानी गीला होने के बाद थोड़ा सा पानी डालने पर क्या हुआ? अब इस स्पंज मात्रा, इसकी मात्रा खत्म होगी, इसकी लिमिट खत्म होगी, तुरंत वो पानी अब नीचे यहाँ पे बहना शुरू हो गया। और हमने इससे हम किन निष्कर्ष पर पहुँचते हैं ये प्रश्न है। तो इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि ये पानी की मात्रा जो स्पंज की होती है लेने की, वो संतृप्त हो गया है, और इसी को हम लोग वाष्प संतृप्त वाली क्रिया से समतल में समान मात्रा में समझ सकते हैं कि इस ये क्रिया वाष्प संतृप्त वाली क्रिया से एकदम समान है। ठीक है, जैसे इस आकृति में आप देख पा रहे हैं, जैसे ही ये पानी की मात्रा ज़्यादा थोड़ी लिमिट के उसके बाहर हुई तो ये पानी निकलना शुरू हो गया, वो नीचे ट्रे में जमा हुआ आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है ना। तो इसका भौगोलिक स्पष्टीकरण जो है ना बेटा, वो अब हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे।
तब तक ये जो वीडियो मैंने आप लोग को आज समझा है उसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। जितना पोर्शन मैंने आप लोग को बताया हुआ है वो सब आप लोग अच्छे से पढ़ के देखिए, रीडिंग करिए, और अगले वीडियो तक जितना पोर्शन पढ़ा है वो सब ध्यान में रखिए और अपना खुद का ख्याल रखिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कोरोना से बचने के लिए 2 गज की दूरी रखिए, मास्क ठीक से पहनिए, और सबसे इम्पोर्टेंट बार बार हाथ धोते रहिए। थैंक यू क्लास, टेक केयर, बाय।